नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चंडीगढ़ के हम निकल चुके हैं और मैं मिलवाने वाला हूँ हमारे कुछ खास भाइयों से। तो सूरज भाटिया आंटी जी यहाँ पे हैं। आंटी जी बहुत पुरानी हमारी आंटी हैं। 11 साल पहले मैं जब यहाँ रहता था किराए पे, तो मेरा किराया सारा यही लेती थी तो मुझे 10 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देते। अब नहीं लोगे ना? नहीं पक्का। अच्छा लगा आंटी, आप वैसे की वैसे हो। मैंने दिल से प्यार किया, ऐसे ही आ गई मैं बिल्कुल। तो आंटी आज और मुझे ऐसा लगा दिल से कि अरमान आया, सबको मिलके जाएगा। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा। नहीं बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो सूरज भाई को तो आप जानते हैं, इसको बता नहीं सकते हैं। तो ये सूरज की गर्लफ्रेंड है और होने वाली बीवी है। तो भैया अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो आंटी जी हमारे कुछ कहना चाहते हो आप? बहुत कुछ कहना कि आज अच्छा लगा आपसे मिलकर, इतना प्यारा लगा ना, दिल खुश हो गया आज। मजा आ गया। चलो तो सूरज भाई, बाय बाय। बाय। मैं आपके बज गए 2:30। अभी जस्ट पहुँचे ही हैं हम दिल्ली से और धीरज भाई पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं। पायल इंतज़ार कर रही थी, पायल ने मना ये मज़ेदार सी चाय, तो मेरी जान ले रही, तो इसका दिल नहीं लगा या फिर लगा? नहीं लगा, अगर खाली था को तो पूरा। तभी तो शाम को भैया आए थे, भाभी आई थी। तो अभी करेंगे फुल दबा के जिम, उसके बाद मैं और पायल जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव पे दोनों, है ना भाई? और गोलू करेगी घर में ऐश, चीकू को स्कूल भेजेगी, क्योंकि हम चीकू को अब बिल्कुल भी मिस नहीं करने देंगे स्कूल को। तो अब जाएंगे मैं और पायल एक लॉन्ग ड्राइव पे। तो हमारे साथ एक ऐसा ख़तरनाक प्राणी है जो 250-300 किलोमीटर तो गाड़ी को रोकता ही नहीं है। मतलब हम चंडीगढ़ से चले थे और मतलब दिल्ली से चले थे और चंडीगढ़ तक भाई साहब ने गाड़ी रोकी नहीं कहीं भी। रास्ते में हमें चाय पीने की इच्छा थी तो चाय हमने घर पे आके पी है। और जो हमारे साथ एक शख्स है गोलू, वो पूरे रास्ते सोती हुई आई है। मतलब उसके दोनों पैर मेरी छाती पे थे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। सर्दी बढ़ गई है, जुकाम हो गया है और सब लोग सो रहे हैं। अभी उठे हैं नितिन भाई, पीछे आपको दिख ही रहे हैं, और चीकू उठ गया है। चीकू वहाँ पे है। बाहर आओ भैया, बाहर आओ, 2 दिन हो गए दिखे नहीं, ब्लॉग में दिखे हो। कहाँ जाने दिया है? कहीं नहीं। बता तो दे, कहीं नहीं। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। बॉक्सिंग करेगा है इसके साथ? हाँ। नहीं बेटा, क्यों? सुबह सुबह बॉक्सिंग, सब सो रहे आप बॉक्सिंग कर रहे हो। सबसे पहले चच्चू के बाल कटवाओ पापा। क्यों बेटा? मैं फिर ब्लॉग भी बनाऊंगा जब आप कटवाओगे। नहीं। अच्छा, जब तक नहीं कटवाऊंगा तो ब्लॉग नहीं बनवाओगे? नहीं। यार नीति ने कटवा लिया, बच्चा परेशान हो रहा है। चले जी, कटवा दो। ठीक है, कटवा दे। चलो अब दिखाओ कौन सो रहा कौन जाग रहा, दिखाओ मुझे पापा। हाँ? वो आपकी मुखा विग विग हाँ। चलेगा नहीं है? हाँ। अभी मंगाता हूँ, पहले ये दिखा कौन जाग रहा कौन सो रहा, दिखाओ। चलो ठीक है, चुप है, चुप हो, बिल्कुल चुप हो, बिल्कुल चुप हो। ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल चुप हो। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। क्या खाना है? चलो लेके चलो, जल्दी चलो, जल्दी खोलो खोलो। हाँ चुप हो, चुप हो, चलो डरा दो डरा दो। डर गई डर गई। ताऊ जी भी है, ताऊ जी दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में। जोर से डराना। सबको उठा दिया। चलो फिर तो मछलियों का खाने का टाइम हो गया। आप मत डालो चीकू, ज्यादा डाल देते हो आप, पता है? ये मुट्ठी भर के डाल देते हैं इतने। तो अभी मैं नीचे से सामान लेके आ रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या गिफ्ट लेके आया हूँ सबके लिए। तो वेट एंड वॉच, और चीकू मांग रहे विग जो मैंने कल रात को लगाई थी। चीकू कह रहा पापा मुझे लगाने, तो देख रहे चीकू कैसा लगेगा। तो मौसम बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ी सी सर्दी है, फिर भी हम हाफ सैंडल में आए हैं। चीकू हमारे पीछे है, गाड़ी उधर खड़ी है। तो गाड़ी से निकालना है कुछ लगेज जो कल हम लेके आए थे, तो उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट है सबके लिए। क्या चाहिए बोल जल्दी? एरोप्लेन। एरोप्लेन से पक्का सोच ले अवन्या के लिए।
बार्बी डॉल। चल ठीक है, पक्का डन। ठीक है, आज ही अभी अभी नहा के चलते हैं। ठीक है, तो कल जो मैं गिफ्ट लेके आया था वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है, कालू भाई के लिए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, और दो तीन मेरे लिए, और एक पीछे कोई बोल रहा है। क्या भैया बोलो? मेरे लिए मेरा, तो ये भी मेरे लिए, आपके लिए मैं लेके आई हूं। हां, और ये विग गोलू आपको लगा के दिखाएगी अभी। गोलू विग लगा के दिखा दे फिर, कैसी लग रही है ये जैकेट? आपकी कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है, मेरे ससुराल वालों ने दी थी जब मैंने शादी की थी। हां, और सोचो अभी तक मतलब एकदम सही है। तो मैं चीजें संभाल के भी तो रखता हूं ना। बोलो, हमारे घर देख रहे हो आप, कपड़ों की सेल लगी हुई है। ये देखो, और ये दिल्ली से लाया हम सारा माल। तो गुड्डू, हां आपको पता है आपकी एक और साली है? कौन है? गोलू और तीन बहनें हैं। अच्छा, आपको आज तक नहीं पता ना? तो मिलवाती हूँ आपको गोलू की बहन लोलू से। गोलू की बहन लोलू से मिलिए, इसके पेट में थोड़ा सा दर्द चल रहा है। जैसे गोलू का पेट हमेशा खराब रहता है, वैसे लोलू का भी हमेशा पेट खराब रहता है। कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोई पोलू लोलू नहीं हूँ, मैं आपकी गोलू हूँ। उल्टी लगाई तूने? उल्टी लगाई है क्या? सेट नहीं, ये तो शीशे में लगा के आई है, तब भी सेट नहीं कर पाई। तो गाइस, एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके आप हमें बताना पायल और मुझे कि हमें सोलो ट्रिप के लिए कहाँ जाना चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ पे आएंगे हम वहीं जाएंगे, और इंडिया में भी, फिलहाल इंडिया में, बाहर नहीं। ठीक है ना? गोलू ने हमें सजेस्ट किया है कश्मीर, तो आप भी बताइए कि हमें कश्मीर जाना चाहिए या कहीं और, कमेंट में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाएंगे हम सोलो ट्रिप पे, नहीं तो पूरी फैमिली जाती है साथ में, तो आप बताना जरूर। तो गोलू कुछ कहना चाहती है? हाँ जी मैडम, बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर दूँ। स्पॉन्सर अगर दे, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे जाने हैं तो वैसे बता दे कहाँ जाए हम। ऐसे मत बोलो, पति पति हो तो थोड़ी बोलोगे। ये देख, ये क्या? तो मैं ये सोच रही हूँ, या तो इन लोगों को थाईलैंड भेजूँ, क्योंकि मजेदार ट्रिप रहेगी आउट ऑफ इंडिया की, या तो कश्मीर। बिल्कुल, तो दोनों में से कहीं पे भी जाओ, बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे मैं गई नहीं हूँ कश्मीर, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वहाँ पे बर्फ पड़ रही है फुल। बाकी आप कमेंट करके बताना इंडिया में कहाँ जाना चाहिए। अभी बाहर नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया में भी काफी जगह जहाँ मैं गया नहीं हूँ। माउंट आबू बता देंगे, कमेंट करके बताना आप मुझे। हाँ जी, मैं, मुझे पैसे चाहिए। क्यों? तो बता देना, मैं गूगल पे कर दूंगा। ठीक है। नितिन भाई कहना चाहते हैं कुछ? गिफ्ट कैसा लगा आपको? तंदूरी बाहर। थैंक यू सो मच। अरे नहीं भाई, ऐसे 10-20 और ले जाएंगे। नहीं वो ले, ऐसे लेके आऊंगा, वहां लेके चलूंगा तो ना। कह रहे भैया ऐसे ही जा रहे, तू कह रहा क्या कर रहे हो? मम्मी को कह रहे क्या कर रहे हो? मम्मा ऐसे जा रहा था, ठीक ना? ऐसे हाँ, ऐसे दिमाग खराब है क्या? ऐसे इतनी ठंड हो रही है। नए कपड़े पहन के जाइए, नए वाला का बर्थडे, नए कपड़े पहने की वो ये पहनूंगा, नए कपड़े अंदर रखे आपके। आपने कुछ खाया? पहले खाओ, भैया भी खाएंगे। चलो मैं आपको खाना देती हूँ, मुझे भी दे दो यार, आपको भी देती हूँ। देखो मैंने दो ऑप्शन सोचे पाए, ठीक है, या तो थाईलैंड, ठीक है, या तो कश्मीर, क्योंकि कश्मीर ऐसी जगह है जो मतलब देखने लायक है, दुनिया में सबसे सुंदर। हम दोनों ही जाएंगे। और क्या? हाँ, ये दोनों नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, चीकू का स्कूल है ना, जाएगा। गोलू भी नहीं जाएगी, चीकू स्कूल में संभाले गोलू, और चीकू तो हम लेके नहीं जाएंगे कश्मीर। पता तापमान कितना वहाँ पे? पाए -1 हो रहे, पर मन लगेगा हमारा, फुल लगेगा। फोन बंद कर देगी वहाँ की तरह, नहीं फोन नहीं बंद कर सकते, फोन ऑन रखेगी। गोलू की कॉल है। हाँ, मेरा देखो एक कॉल तो देखो बनता है ना। इसकी भी तो अपडेशन लेती रहेगी कि क्या कर रहा है, कर रहा है। चीकू क्या हुआ बेटा, पैसे चुरा रहा है? मम्मी की जेब में से पैसे चुरा रहा है गिफ्ट के लिए। चुराता तो नहीं बच्चा, चुरा क्या लेके जा रहा है? दिखा, ओहो ये तो माल चुरा लिया, चुराया तो नहीं। गिफ्ट लेके आना है? नहीं सामने से लेके जा रहा है गुड्डू, ये बच्चा कभी पैसे नहीं लेता, ये गिफ्ट लेके जा रहा है।
ये देखो मेरी ऑमलेट की हालत देखो चीकू, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सा लग रहा है। तो अभी नहा के हम जाएंगे चीकू के लिए गिफ्ट लेने, और आज हम वीडियो शूट करने वाले मजेदार सी शॉर्ट्स पे देखने पे मिलेंगे पापा। हाँ, के लिए भी। हाँ हाँ बेटा, सबके लिए सबके लिए। गाइस आज हम कुछ मजेदार सी वीडियो शूट कर रहे हैं, जो मैं आपको बताने वाला था कि एक सीरीज लेके आने वाले हम शॉर्ट वीडियो की, तो आपको वो देखने को मिलेगी फैमिली फिटनेस पे। तो आज का शूट है तो निपटा देते हैं। सुनो, नट भी लाए हैं। कील नहीं है घर पे। कील भी लाए हैं। सुई, कोई कुछ चीज आई तो नहीं? नेल कटर पाए इतने थे। ओहो पाल, तेरे दर्द हो रहा था ना कमर में, लगा लियो। देख तो ले पाल क्या कर ले, कैसे लेना देख रही हो वे? तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमें कुछ लेके आना है जो वीडियो शूट करना है, उसके लिए हमें चाहिए। तो वीडियो जरूर देखना, मजा आने वाला है। मेरे साथ हाड़ी भाई जा रहे हैं, धीरज भाई जा रहे हैं, तो निकलते हैं चलो। मौसम बहुत ही बेहतरीन है, धूप हो रखी है, मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ। हाड़ी ने मुझे बोला भाई साहब आपको गर्मी तो नहीं लगेगी? मैंने बोला लोग गर्मियों में पहनते, मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी है तब पहन लूँ। तो गाइस हम पहुंच गए कैमरा मार्केट में, और यहाँ पे लेने वाले कुछ टेक्निकल सामान, और सामान हमारे हाड़ी भाई को बता। हाड़ी भाई क्या लेने वाले हैं? हम यहाँ पे एक क्रोमा सेट लेंगे, कुछ लाइट्स लेनी है, और एक कैमरे का लेंस लेंगे। तो घर पे पहुंच गए हैं, भूखे गए थे और भूखे आ गए हैं। तो कुछ जो लेना था वो लेना था, हमें क्रोमा लेना था, साथ में एक मज़ेदार सा माइक लेके आए हैं हम। पापा बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अभी से? हाँ। चार बज गए क्या? हाँ। हम तो भूखे घूम रहे, पहले कुछ खिला दे। भूखे खाना बना हुआ है, वेट ही कर रही हूं आपका, आप आओ खाना खाओ। तो कुछ आलसी लोग अभी तक सो रहे हैं। सो गई थी वापस? नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया? बुखार जैसे लग रहा है। आराम कर लो, कुछ खाया पिया नहीं होगा। नजर लगी हुई ना कल, नजर लगी ना कल, कल कल ना वो सब तेरे जो रिश्तेदार थे, तारीफ कुछ ज्यादा होगी इसकी, है ना? वो इसने थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह बनवा लिया था ना, तो नजर तो लगी जाती है। मेरे को भी लग जाएगी आज, लग रहा है। आपकी तबीयत खराब थी कल? हाँ, कल आपने गोली खा के आई, कल गोली खाई थी ना, तो मैं सोच रही थी खाने का, मैंने खाई नहीं, अब भी खाई, मैंने पेन किलर। देखो नजर लग गई, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, काम करो तुम, आराम कर लो प्रिजन, और अभी वीडियो बाद में बनाते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, वो तो शुरू करेंगे, कोई नहीं, आराम से कर लो। तो रसोई की हालत आज थोड़ी खराब है, वो किस लिए? पूरे घर की खराब है, क्योंकि सामान बहुत सारा आया ना। तो अभी मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, पायल का पता नहीं, पायल यहाँ बैठ के कुछ वीडियो बनाने की सोच रहे हैं अकेली, पर कर नहीं पाएगी क्योंकि हम नहीं है ना, कैमरा कौन पकड़ेगा, और पायल सेल्फी से वीडियो बनाती नहीं है। संजय पायल मेरे को आती नहीं है ऐसे ना, ऐसे मेरी सही से बनती नहीं है। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, सो रही है, चलिए मैं भी सारी सोने आ जाए फिर। तो कृतिका की तबीयत ख़राब है, और फिर हमने उसको पिला दी है चाय, और एक मज़ेदार सी वीडियो बना दी जिससे वो हंसने लग गई। क्या चप्पल तो देख लो, इस पे हंसी आ गई, एक फुल नहीं है इसका। अरे ये बहुत पुरानी चप्पल है, ये मेहनत की कमाई के लिए चप्पल है, हम छोड़ते नहीं है कहीं भी, बहुत मतलब 2 साल पुरानी है ये। सुनो, इसके अंदर का फॉर्म भी लिए है दो दो के। कोई बात नहीं, क्या होगा फिर, पर पैर तो कवर हो रहे हैं। नहीं अब सर्दी आ गई है ना, अब तो जरूरी है, और फिर यहाँ पे अपना चंडीगढ़ के पास ठंड कुछ ज्यादा ही हो जाती है, तो आपको जरूरत भी है, लापरवाही की जरूरत नहीं है बस यहाँ पे, है ना। हमें हंसी आ रही है चप्पल देख के। कोई बात नहीं। तो गाइस मैंने आपको बताया था जो वीडियो हम शूट करने वाले उसके लिए कुछ चीजें चाहिए थी हमें, जो वीडियो में कंपल्सरी थी, जैसे कि ये चेयर। तो ये चेयर वीडियो में कंपलसरी थी, तो ये चीज़ें हमने मंगवा ली हैं, तो वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो चेयर है, ये भाई साहब संडे वाले दिन कहाँ से लेके आया दादा? बहुत दूर से, ढूंढ के ले आए बस। हाँ, एक एक कुर्सी अलग अलग दुकान से उठाई। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ। पहले की ब्लॉग देख रही मैं हैदराबाद की, बहुत फनी लग रही है, ऐसे लग रहा कुछ भी बना देते थे। कोई बात
बंदे आगे बैठे हो और ये औरत देख रहे हो आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल तमीज नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। भूख नहीं लग रही थी मुझे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो आप क्यों खा रही है? अब मैं पेट भरने के लिए, चलने के लिए तो कुछ पेट में डालना पड़ेगा ना। देखो और इनको ना अगर बोल दो ना फ्रूट खाना, फ्रूट खाते हो ना आफत आती है इनको, तो रोटी खिला दो इनको, सूखी रोटी तो ज्यादा से ज्यादा खाती है पायल। ऐसे क्यों बेटा? बीच में सब्जी थी। अच्छा अब दवाई ले लिए तूने, ये बता पहले। हाँ दवाई अभी भैया ने अभी दे ले रही हूँ। तो आराम कर ले, अब खड़ी होगी घूम रही इधर उधर। हाँ जी कर रही हूँ। और क्या, और ठीक हो? पावर की वजह से होगी तबियत खराब ना। नितिन चीकू को लिया, दो चार घंटे हो गए लड़के को। छह बजे है, चार से छह तक, छह बजे। कितना टाइम हो गया? 545 ले आओ यार, उसको दिल नहीं लगता उसके बिना मेरा। जो चीज़ हम लेके आए वीडियो में भी काम आएगी, और बाद में क्या होगा जब हम कभी कभी मस्ती किया करेंगे तो छज्जे पे बैठ के हम फुल घुमा करेंगे ऐसे। नितिन भाई कैसे घूम के दिखाओ। तो चीकू को चेयर अभी दिखी नहीं है, चीकू को आने दो। उसके बाद चीकू कहेगा तीनों चेयर मेरी है। और चीकू को जो चीज़ पसंद है वो ये है कि इसको अप डाउन करना, यानी कि इसके ऊपर बैठेगा और फिर नीचे हो जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। अरे हमारे भैया आ गए, धीरज भैया। धीरज भैया सवाल तैयार है? हाँ, सारे अच्छे से ठीक। तो ये चेयर मेरे बहुत काम आने वाली है, इसमें ऐसे लगेगा जैसे मैं घूम रहा, पर मैं नहीं घूम रही, मेरी चेयर घूम रही है। देख रहे हो, तो मैंने ऐसे किया था इसको, तो चेयर घूम रही है। तो ये औरत इतनी बेशर्म है, इसको फ्रूट खाने का नाम लिया था तो केला खाने लग गई, मतलब एप्पल खाना चाहिए इसको। इस टाइम इसकी तबीयत खराब है, अभी ले गई है ना वो। देखो तो कुछ औरतें सोने का नाम लेके अपने रूम में चली जाती हैं और फोन चलाती है। हाँ मैं टिकट कर रही हूँ। अच्छा भैया की दे, भैया इसको बोला भैया ईमेल आईडी सेंड कर दो, टिकट कर रही हूँ। वेरी गुड। और कुछ ऐसे बेकार लोग हैं कि ना मुझे देख के ना फोन छुपा लेते हैं, ऐसे हैं। मतलब पायल तो इतनी नालायक लड़की है, फोन के नाम पे क्या करती है, फोन छुपा लेती है। क्या होता है ना, इसका डोर बंद होता है, चीकू को सुलाने के लिए लाइटें बंद करके रखती है। तो जैसे मैं ओपन कर देती हूँ, सॉरी या नहीं सॉरी, तो ये क्या करती है, मोबाइल रख देती है। तो चीकू तो अपने लिए फिर वफादार है ना, चीकू बता देता पापा मोबाइल चला रहे हैं मम्मी। तो लड़की सुधरेगी नहीं कभी, तो इसको समझा यार, कोई सुधारो इसको। है नहीं देखती गुरु, मैं सोती हूँ ऐसे करके। बस 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 10 साल हो गए मेरे साथ। सो रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। ओहो डिस्टर्ब, तेरी शक्ल देख के सब पता लग जाता है मुझे कितनी बड़ी है तू, इस वक्कड़ है। तो अभी एक मज़ेदार सी वीडियो शूट करने वाले हैं, सेटअप हो रहा है बाहर रेडी, और उसके बाद थोड़ा ब्लॉग पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, रात के 12-1 बज जाएंगे और अभी बजे 6। तो हमारे किरदार ये है, मेरे साथ पायल है, मेन लीड में मैं हूँ, मेन लीड में ये भी, दोनों मेन लीड में ही है, कोई बात नहीं। पर आपका जो मेन लीड है ना वो अच्छा होता है हमेशा। हाँ तो मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। तो आप और इस ब्लॉग में एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होगा आप सबका। हाँ बिल्कुल, हंसी बहुत आएगी। नहीं इसमें थोड़ी दिखाएंगे वो बिहाइंड द सीन। अच्छा नहीं सॉरी ब्लॉग में नहीं कह रही हूँ, वो आने वाली सीरीज में। हाँ। आपका एंटरटेनमेंट, आपकी हंसी नहीं रुकेगी, बस ये गारंटी दे रही हूँ मैं। हाँ तो ये मतलब 1 मिनट सीरीज ही लगा सकते हैं आप, मतलब 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे वीडियो, और फिर उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट। तो हम सोचे इसके 100 पार्ट निकालेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रूर देखना, कमेंट करके भी बताना आपको कैसी लगी। और कल शाम तक, यानी ये ब्लॉग आएगा कल सुबह 8 बजे। आज तारीख है 8, क्या तारीख आज? आज है 7 तारीख, 7 है ना। हाँ कल 8 बजे ये वीडियो आएगी, और 8 बजे रात को 8 बजे तक वो एक शॉट आ जाएगा 1 मिनट का, वो देखना और बताना, तो धमाल मचने वाला फुल। तो अभी कार्रवाई कर रहे हैं वीडियो की, और यहाँ से हमने सब कुछ हटा दिया है, और यहाँ पे हाडी भाई हमारे कुर्सियाँ लगा रहे हैं और सेटअप रेडी कर रहे हैं। सेटअप रेडी करने में अभी लगेगा 1.5 घंटा, उसके बाद कंटिन्यू शूट करेंगे। कंटिन्यू शूट में हमारा टाइमिंग लगेगा नियर अबाउट 6 से 7 घंटे। तो आज रात को लेट हो जाएंगे हम काफ़ी। तो भाई साहब ने देख रहे हो सेटअप शुरू कर रहे हैं, तो ये हम जो शुरू करने वाले पूरा करोमा पे शूट होगा। तो कुछ लोग अंदर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पर यार मैंने एक चीज़ हमेशा नोट करी है, ऐसा हमेशा होता है कि जो पायल बोल। तो भाई आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें, सेफ रहें। तो अभी वीडियो शूट करें, काफ़ी टाइम हो जाएगा लेट, सुबह का ब्लॉग देखना मत भूलना। नमस्कार।